और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है तरुण के पास। तरुण बताइए क्या है खबर? बिल्कुल सर, जो खबर है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक का जो सब्स्टिट्यूट है उसको लेकर है। जो हमारे यहाँ पे जो हाई ये कहें कि जो बड़े व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं या बड़े एक्सेल्स हैं, उनको एलएनजी की में लाने की तैयारी सरकार कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट स्कीम का कंसल्टेशन पेपर कई मंत्रालयों के साथ शेयर किया है और कई कंपनीज के साथ शेयर किया और उनके व्यूज जाने हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय का यह मानना है कि केवल सीएनजी से हम जो 2017 से जीरो कार्बन का जो टारगेट है वो पाया नहीं जा सकता, इसलिए हमें एलएनजी पे शिफ्ट करना होगा और एलएनजी के लिए वो एक नई स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। उनका ये कहना है कि यदि हम ट्रक ऑपरेटर्स को, ट्रक मालिकों को इंसेंटिवाइज करेंगे तो वो एलएनजी पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए फेज वन के अंदर वो 49 एलएनजी स्टेशंस लगाने का प्लान है। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को पहला एक ये कहें कि एक्सप्रेस वे, एलएनजी एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके साथ साथ फर्स्ट फेज के अंदर यह है कि अगले 5 से 6 साल के अंदर अभी हाल में तकरीबन 58 लाख ट्रक्स हैं जिनको 30% 1/3 जो ट्रक्स हैं उनको एलएनजी पे शिफ्ट करना है। और साथ ही जो नए ट्रक्स हर साल तकरीबन 3.5 लाख नए ट्रक बिकते हैं उसमें से भी 1/3 जो ट्रक हैं उनको एलएनजी पे शिफ्ट करना होगा। इसके साथ साथ ये भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है कि जो गैस निकलती है जो नए वेल्स हैं उसमें 0.5 MMSCD जो मार्क होता है वो हम एलएनजी के लिए एक तरीके के लिए हम उसको अलग करेंगे, सीधे तौर पे एलएनजी के उपयोग में उसको लाना होगा, जिससे एलएनजी की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। इसके साथ साथ जो CBG कंपोजिट बायोगैस है उसका भी यहाँ पे यूज़ करके एलएनजी यहाँ पे तैयार करना होगा और जो इससे ही हम जो नेट जीरो का जो टारगेट है 2070 का वो हम पा सकते हैं। केवल सीएनजी पे यदि हम काम करते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे काम करते हैं तो वो पॉसिबल हो पाना काफ़ी मुश्किल है। इस वजह से एलएनजी को बढ़ावा देना होगा और उसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक नई ड्राफ्ट स्कीम फ्लोट करी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो जो ड्राफ्ट स्कीम है उस पर कैबिनेट अप्रूव कर सकता है और वो अमल में लाई जा सकेगी। ये अच्छी खबर है कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर जो चलने वाले बड़े हेवी व्हीकल्स हैं, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह, उनको एलएनजी पर शिफ्ट करने का प्लान, यानी कि ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जाए बजाय जो हाई स्पीड डीजल पर अभी चलते हैं जो पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, दोनों नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। और तरुण भी मैंने सुना है था ये इस पे पोल्यूशन काफ़ी कम होता है नॉइस पोल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। हाँ, हार्डली कुछ आवाज़ है ना, हार्डली। तरुण ऐसा सही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे नॉइस पोल्यूशन काफ़ी कम है? सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की खूबी ये है कि जब वो स्टार्ट होती है या बंद होती है तो पता नहीं लग पाता। इस वजह से ही जो आजकल कार कंपनीज हैं या जो बाइक कंपनीज हैं वो एक तरीके का डमी इंजन की आवाज़ सर गाड़ियों में देने लगी है। अच्छा। जिससे लोग को पता रहे कि हाँ गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। एक बार ये लागू हो गया ना इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, ये जो बता रहे हैं, उसके बाद जब तरुण लिंक देंगे तो पीछे से किसी गाड़ी की आवाज़ नहीं आएगी। अभी हमें पता चला कि टोटल मिला के 113 गाड़ियां पास हुई है तरुण आपके पीछे से। एकदम लोकेशन बिल्कुल सही चुनी है। एक्चुअली क्या सर, इसके बाद नहीं, इसके बाद क्या है सर, MNRE मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनके घर के बाहर से ही सर हम लाइव दे रहे हैं। इस तो वो जो सबसे ज़्यादा जिस मंत्रालय में काम हो रहा है इस समय ग्रीन एनर्जी पे, वही मंत्री सर अभी 2:45 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वजह से सर बाहर खड़े होकर हमें लाइव देना पड़ा। वोट लोकेशन बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा है। धन्यवाद तरुण, ये पूरी की पूरी डिटेल और पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ सामने रखने के लिए। काफ़ी कुछ बड़े एक्शन होने जा रहे हैं, स्पेस यहाँ पर रखिएगा नज़र।